उत्तर प्रदेश चुनाव और अजय मिश्रा को लेके जो मचा बवाल, योगी की टेंशन बढ़ाता ही जा रहा है। अब अजय मिश्रा किससे डरे जब कोतवाल खुद उनके घर का है। दरअसल अमित शाह के करीबी अजय मिश्रा किसकी सुनेंगे। योगी आदित्यनाथ सारे जतन कर लिए लेकिन हार गए, अजय मिश्रा से हार गए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के करीबी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी है। अब योगी कर भी क्या सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। विपक्ष और किसानों की मांग के बाद भी अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्री परिषद से नहीं हटाया जाएगा। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट अंतिम नहीं है। बता दें कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विपक्ष के इस्तीफे की मांग पर संसदीय गृह मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पार्टी का मानना है कि अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है, ऐसे में बेटे की करतूतों की सजा पिता को नहीं दी जा सकती। हालांकि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने पत्रकारों के साथ अजय मिश्रा का रवैया गलत है, उन्हें हिदायत दी गई है कि आगे से ऐसी घटना ना हो। बता दें कि अजय मिश्रा टेनी की मोदी कैबिनेट में एंट्री ब्राह्मण होने के कारण मिली है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि ब्राह्मण वोट बैंक को यूपी चुनाव में साधने के मद्देनजर अजय मिश्रा के केंद्र में मंत्री बनाए जाना लगभग तय इसीलिए किया गया था। वहीं इतने आरोप और हमलों के बाद भी उनके केंद्रीय कैबिनेट से बाहर नहीं किए जाने का कारण बड़ा ब्राह्मण वोट बैंक देखा जा रहा है। बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने टेनी मिश्रा के इस्तीफा नहीं लेना उचित समझा। अजय मिश्रा यूपी की तराई बेल्ट से आते हैं और ब्राह्मण समाज के मजबूत चेहरा माने जाते हैं। लखीमपुर और आसपास के जिलों में टेनी मिश्रा का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर ब्राह्मणों की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती, क्योंकि ब्राह्मण वोटर पहले ये ही बीजेपी से नाराज माने जा रहे हैं। विपक्ष दल लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी करार देने में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों की तकरार के बाद आखिर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर क्या फैसला आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।